ठीक है उस पर्सन का नेम रिमूव कर दिया जाता है जिसने शेयर्स ट्रांसफर करे हैं ठीक है एंड बाय इंसर्टिंग द नेम ऑफ द ट्रांसफरी इन प्लेस ऑफ द ट्रांसफरर ट्रांसफरी ट्रांसफरर में डिफरेंस क्लियर है आपको फिर भी मैं करक्स में बता देती हूँ इफ आई एम ट्रांसफरिंग माय शेयर्स आई एम ट्रांसफरर एंड द पर्सन टू होम आई एम ट्रांसफरिंग माई शेयर दैट पर्सन इज नोन एज ट्रांसफरी तो रजिस्टर के अंदर ट्रांसफरी का नेम लिख दिया जाता है और ट्रांसफरर का नेम डिलीट कर दिया जाता है ठीक है एंड शेयर्स ऑफ़ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है लेकिन जो कंपनीज़ प्राइवेट होती हैं उनके शेयर्स भी ट्रांसफरेबल हैं लेकिन देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर तो क्लियर हो गया जब एक पर्सन वॉलेंट्रली अपनी मर्जी से किसी दूसरे पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर करता है ठीक है उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहा जाता है अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की ये कब होता है टेक्स प्लेस रजिस्टर्ड मेंबर डाइज और इन एडजुडिकेटेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट तो एक पर्सन जिसके नाम पे शेयर्स हैं अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है तब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर होती है क्योंकि ये प्रोसेस है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर बंदे की डेथ हो गई तो लॉ डिसाइड करेगा कि उसका अगला लीगल हायर कौन है जिसको ये शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है ठीक है वेयर द शेयर आर रजिस्टर्ड इन अ कंपनी इन द नेम ऑफ डिसीज पर्सन और एन इंसॉल्वेंट पर्सन कि या तो जिस बंदे की डेथ हो चुकी है या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उस पर्सन का नेम पे शेयर्स हैं फर्दर वो शेयर रजिस्टर कर दिए जाते क्या है देखो मीनिंग देखो सबसे पहले मीन्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू शेयर वॉलेंट्रली जब एक पर्सन अपने मर्जी से अपने शेयर दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है उसे ट्रांसफर ऑफ शेयर कहा जाता है लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कब होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये कोर्ट डिसाइड करता है ऑपरेशन ऑफ लॉ कहता है कि एक पर्सन या तो उसकी डेथ हो चुकी है या इंसॉलमेंट हो चुका है उसके शेयर किसी दूसरे पर्सन को अगर ट्रांसफर किए जा रहे ठीक है ठीके? अब ये इफेक्टेड बाय कैसे देखो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है वो डेलीबरेट एक्ट है मतलब दोनों पार्टीज की मर्जी होती है जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी मर्जी भी है जो ले रहा है उसकी मर्जी भी है

ट्रांसफर किए जा रहे हैं शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सिर्फ वही पर्सन एक्टिव होता है वही पर्सन इनिशिएट करता है अब कंसिडरेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में एडिक्वेट कंसिडरेशन पे की जाती है लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कोई कंसिडरेशन पे नहीं की जाती तो नेक्स्ट देखो एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिड ट्रांसफर डीट तो अगर हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो उसमें डीड होती है ट्रांसफर डीड तैयार करवाई जाती है और उसको साइन किया जाता है लेकिन नो सच डीड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आगे लाइबिलिटी की बात करें तो देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है जो पहले ट्रांसफरर की लाइबिलिटी थी अब वो सारी लाइबिलिटीज किसको डिस्चार्ज करनी है ट्रांसफरी को लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जो ओरिजिनल लाइबिलिटी पर्सन की होती है वो ऐसे ही बनी रहती है ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ शेयर्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ठीक है फिर आ गई स्टैंप ड्यूटी जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में उसमें स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है एज पर मार्केट वैल्यू लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की जाती लॉक इन पीरियड लॉक इन पीरियड क्या होता है कि एक ऐसा पीरियड जिस टाइम पीरियड के अंदर बंदा अपने शेयर को सेल नहीं कर सकता मान लो मैंने शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के और उसका एक साल का लॉक इन पीरियड है कि एक साल तक वो शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते सेल नहीं किए जा सकते तो अगर लॉक इन पीरियड है तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट परमिसिबल लेकिन लॉक इन पीरियड के दौरान ही अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है जिसके नाम पे शेयर्स हैं तो फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स परमिसिबल है क्लियर फिर आता है फॉर्मेलिटीज देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर सेक्शन 56 की फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में इस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करनी पड़ती फिर परमिशन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर और ट्रिब्यूनल शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए परमिशन जरूरी है लेकिन ट्रांसमिशन में परमिशन जरूरी नहीं है अगर सेबी रेगुलेशन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ शेयर में वो एप्लीकेबल है सारी से भी रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है लेकिन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ ऑफ में नॉट एप्लीकेबल सो दिस ऑल अबाउट ट्रांसफर एंड शेयर अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आप पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हाफ पेज में फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर को एक्सप्लेन करिए एक डेढ़ पेज में आपका ये आएगा और उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बनाइए कंपेरिजन चार्ट बनाइए जिसके अंदर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का डिफरेंस दिया गया है क्लियर हो गया सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डे